नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टिकिराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने Redmi Y1 Lite पर कॉल स्पीकर प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। अगर आपका कॉल स्पीकर काम करना बंद कर देते हैं, ठीक है, आप मान लीजिए दोस्तों किसी को कॉल कर रहे हैं और आप उनके कॉल को स्पीकर पर सेट कर देते हैं, स्पीकर पर सेट करते ही पूरा साउंड बंद और आपका स्पीकर काम नहीं करते, तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। यहाँ पर आपको दो तरीके का प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर पहला जो प्रॉब्लम है वो है सॉफ्टवेयर का, या तो फिर दूसरा जो प्रॉब्लम है हो सकते हैं हार्डवेयर का भी इशू हो, ठीक है। तो चलिए पूरा वीडियो को देखते हैं और जानते हैं यहाँ पर किस किस तरह का सॉल्यूशन हमें करना होगा, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें। यदि आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा, और किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ आपको करना क्या चाहिए, कॉल स्पीकर काम नहीं कर रहे तो दोस्तों आप एक बार कॉल को कट कर दीजिए, डिवाइस को रिस्टार्ट कीजिए। रिस्टार्ट करने के बाद दोबारा से ट्राई करके देखिए, आप कस्टमर केयर को कॉल करते वक्त ये जो तरीका है उसको ट्राई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कितने बार आपके दोस्त को जो है आप कॉल करोगे, तो उसके वजह से दोस्तों आप यहाँ पर 1-to-1 या फिर 198 पर कॉल करके कॉल स्पीकर को ऑन करके देखिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते तो क्या करना है, सेटिंग पर जाए, उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके आपका जो यहाँ पर दोस्तों ऐप्स है उसमें जाइए, मैनेज ऐप को ओपन करके फ़ोन सर्विस पर जाइए और फोर स्टॉप करके ओके कीजिए, और क्लियर डेटा करके इसको भी क्लियर ऑल डेटा करके ओके कीजिए। उसके बाद आपको बैक करना है, बैक करके आपको जाना है एडिशनल सेटिंग पर, उसके बाद जाइए क्लियर स्पीकर के ऑप्शन पे, और आपको जो यहाँ पर बटन दिखाई दे रहा है क्लियर स्पीकर का उसको ऑन कर देना है। उससे होगा क्या, आपका जो स्पीकर है वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों आपके जो यहाँ पर दोस्तों डिवाइस है उसमें एक लाउड वॉइस बजना शुरू हो जाएगा, ठीक है। वो अलग ही तरह का एक वॉइस है, ठीक है, उसको क्रिएट ही इस तरीके से किया है जिससे आपका जो यहाँ पर स्पीकर्स में प्रॉब्लम वगैरह रहते हैं, कचरा वगैरह रहते हैं, उनको वो बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आप यदि हाथ से करने लगोगे स्पीकर को साफ, तो होगा क्या, आपका जो कचरा वगैरह है, डस्ट वगैरह है, वो और भी अंदर चला जाएगा, तो उसके वजह से अंदर से वॉइस आते हैं, बाहर में आपका जो कचरा है वो निकल जाते हैं। उसके बाद ये प्रोसेस हो जाने के बाद एक बार डिवाइस को रिस्टार्ट करें, चेक करके देखिए प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका होगा, ठीक है। अगर इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो अच्छी बात है, इससे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो क्या करें, सॉफ्टवेयर अपडेट कर दीजिए, ठीक है। तो जाइए अबाउट फ़ोन पे और अपडेट पर क्लिक करके डायरेक्टली सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट कीजिए, सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद दोस्तों आपका जो डिवाइस है उसमें सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल भी कर लीजिए, उसके बाद देखिए आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका अपना के देखिए, तो ये एक पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है, इससे प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। बाय एनी चांस किसी तरह का दिक्कत, किसी तरह का इशू हो जाते हैं तो वो जो है आपको टेक्नीशियन के पास जाके फिक्स करवाना होगा, ठीक है। टेक्नीशियन के पास जाइए, उनको बताइए आपको ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, वायरिंग पे कनेक्शन प्रॉब्लम हो सकते हैं या फिर शॉर्ट सर्किट का प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, ठीक है, तो जाके फिक्स करवा लीजिए। तो आज के इस वीडियो पर बस इतने, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए बस इतने, थैंक्स फॉर वॉचिंग।